JR Film presents एक प्रयास, जय बाबा मई मलजी, सपोर्टेड बाय एम जैक्सन डांसिंग इंस्टीट्यूट, मेन चौक जानीपुर जम्मू। भारत की इस पवित्र धरती पर जब भी धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला होने लगा, तब तब ही यहां पर भगवान ने अनेक महान शक्तियों, पीर पैगंबरों, साधु संतों तथा देवी देवताओं के रूप में जन्म लेकर अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया और सत्य की जीत का प्रमाण पेश किया। इसी प्रकार उन अवतारों अर्थात महान विभूतियों में बाबा महिमल जी भी एक थे। बाबा महिमल जी का जन्म उप्पल जाति ब्राह्मण वंश स्थान भले गांव डगेर तहसील अखनूर में पिता श्री पिल्लो ब्राह्मण माता राधा के घर हुआ था। उनके जन्म के विषय में बुजुर्गों विचारकों तथा शिक्षित जनों के मतानुसार जन्म कार्तिक माह की पूर्णिमा माना गया है। आपके जन्म के समय कैल नगारे तुरिया वगैरह उस समय के साज बजाकर खुशियां मनाई गईं। वहां उपस्थित सभी विद्वानों ने बताया कि ये केवल आपका ही नहीं बल्कि पूरे वंश का नाम युगों तक अमर कर देगा। 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने शिक्षा लेना आरंभ किया और 12 वर्ष की आयु में ही पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली। उनका मूल पेशा जमींदारी था। वो एक पक्के और सच्चे किसान थे। वो दुखियों से सहानुभूति रखते थे और परोपकारी थे। जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने में कभी भी पीछे नहीं हटते थे। तब सामंतवादी जुल्मों का बाजार गर्म था, जागीरदारों का राज्य था। इस प्रथा के अधीन गरीब किसानों पर अनेक प्रकार के कष्ट ढाए जाते थे। किसान जागीरदार के विरुद्ध आवाज उठाने में असमर्थ था। ऐसे ही काल में बाबा जी ने देवताओं की धरती जम्मू की तहसील अखनूर में कालीधार डुग्गर की पवित्र देवताओं की धरती को धन्य किया। जदू कदे भी पापे उदम मचाया जुलम मटाने की ओ ईश्वर आपू इत्थे आया जेड़ी गल सलाह करना मैं 600 साल पुरानी है जिथे मत्था लोक टेकते उस पापे दी कहानी है दबंगे हाँ दबाएगा पाप ते अत्याचारे शाहर मानू हाँ घबराएगा दिलों दे कर जागत जमया उगमल रखिया उसका नाम मंडल हा चमका मारदा सिखने आया सारा गरा किथे होइए रचिए खुशी मनाई काजे बाजे तुरिया नगाड़े सपिए कैल बजाई ज्ञानी ते विद्वान ज्योतिषी पत्री दिखने आए मंडल पर तेज दिखी बिंद करो मुस्काए जागत नहीं है प्रभु जी माया इसने कुल गितारना है
ना बसदा उच्चा करी लो केंद भविख सवारना है। पंजे परे दा पढ़न लगा बारे च पूरा पड़ी गया लोकी परे सह गया ए जाग शिक्षा पूरी करी गया नाथल ना दे गाच रखण थारे उपर नजर पई भूमि पर खेती बाड़ी करनी उसने मिथिली इस पे करसान की एक जगीरदार की करार नाम ऊपर थी लखोई गया करार की अंथक मेहनत करी जमीन की करी लिया हमवार मुग बैच टंगे देती करन लगे छनकार दिए दे जो छटे करांदे कनक दुकाने उगदे आंदे फसल की लहरान लगी पई लोक नजारा दिखने गियांदे छिटे लगते बोखिए की फीकिया पचते जगीरदार की जाई सनाते ओदे मन इच पांबड़ मचते देकर तान हा सच्चा सुच्चा छल कपट नहीं पाखा मेहनत करिए फसल उगाई ता रब गराखा फसल की बदी है तेरी लाई जगीरदार की अर्ज सुनाई तेरा इकरार मुताबिक चौथा किस्सा ले जाओ आई अद लैने की गल सुनोची करसाने का मन कलमाया करा पंचायत बुलाई सारी गल पैंचे की सुनाई जगीरदार दी अड़ी देखे पैंचे की कुन सुनदा पाई वाले ने एक यज्ञ रचाया ब्राह्मणे की उत्थे सजाया गल पकाओ उगमल कन्ने ब्राह्मणे पुआले की गलाया जगीरदार दा पारा चढ़िया अपनी जिद उपर अड़िया ब्राह्मणे की खदेड़ी आखे खबरदार कोई इत्थे बड़िया गल कर तान की रास नहीं आई उसने मन चलिया त्याई बोल्ड बूटे जाइयो चढ़िया कड़ी कटारा अथे फड़िया कटारा खोपिए गया पियो काल चोले टुरन लगी पे कीड़े खून परोची दाल देखी ऐसे गुड़ करो पी लोग बरैगी नसन लगे नर्तक नया होई गया इस दुए की दसन लगे वाला फैनी बंश की अत्यादा लगिया शराब बंश का नाम निशान मिटी गया उन्हें की लगिया पाप इंसाफ दिखा सिर उगमल ने दे दिता बलिदान दंगेर करा च लोकें रलिए बनाया समाधि स्थान
जगमल महिमल नाकन में होई गया बड़ा मशहूर सुखना पूरियां होने करी फैली चर्चा दूर सत्ते महीने दी पुनिया की मेला उत्थे लगदा है मत्था टेकी सुखना करदे आस दबिया जगदा है तन मन कन्ने सेवा करिए लोक तपुन कमांदे न मेरा करदा बाबा तां गए महिमल दा यश गांदे न बाबा जी ने अपने जन्म स्थान से कुछ ही दूरी पर नाथल नाम के गांव में एक बंजर भूमि को देखकर विचार किया कि कुछ मेहनत करके यहां भी फसल उगाई जा सकती है और अपनी गायें, बैल तथा भैंसों वगैरह के लिए चारा और पानी भी प्राप्त किया जा सकता है। यही सोचकर उस जमीन के जागीरदार जिसका नाम वाला सहनिया था उसके दरबार में हाजिर हुए। जागीरदार का मुनीम जो लिखा पढ़ी का काम करता था उसने पुआला सहनिया के भाई मुगत सहनिया के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करवाकर पैदावार का चौथा भाग देना स्वीकार कर लिया। बाबा जी ने इकरारनामा लिखवाकर जागीरदार के हस्ताक्षर करवा लिए। इसके उपरांत अपनी गायें, भैंसें और बैल वगैरह लेकर गर्मी के दिनों में ही नाथल के स्थान पर जा पहुंचे। वहां की बंजर जमीन से बैर के पौधों तथा सरूप वगैरह को उखाड़कर उस सख्त भूमि पर सख्त मेहनत करते भूमि को फसल उगाने वाली भूमि के योग्य बनाना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत से बाबा महिमल जी ने जमीन को पैदावार देने के योग्य बना डाला। कार्तिक माह था, जब कनक के बीज बोना शुरू हो गए तो बाबा जी ने भी बीज लेकर कनक को बोना शुरू कर दिया। सबसे अनोखी बात ये थी कि बाबा जी जब आगे आगे बीज लगाते जाते तो कनक पीछे पीछे उगना शुरू हो जाती। जैसे ही फसल कुछ बड़ी हुई तो बाबा जी की कनक की फसल की चर्चा चारों ओर फैलना शुरू हो गई कि इस किस्म की फसल इलाके में कहीं भी नहीं थी। आने जाने वाले सभी लोगों के मुंह से ऐसी बातें निकलती रहती। ये खबर जागीरदार तक भी पहुंची। महिमल बाबा जी मेरी अर्ज करो मंजूर मेरे महिमल बाबा जी मेरी अर्ज करो मंजूर दुनिया पे क्या सीने मेरे सुख ने कीते चोर मेरी अर्ज करो मंजूर मेरे महिमल बाबा जी मेरी अर्ज करो मंजूर।
जगा कमाया, छल कपट की लोक ने कर दे मिगी समझ नहीं आया, तेरा लड़फड़ी लेता मल बाबा जी मेरी अर्ज करो मंजूर। जय 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 भई मल बाबा जी, जय 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 भई मल बाबा जी, जय 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 भई मल बाबा जी, जय 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 भई मल बाबा जी। इस पर लालच में आकर पुआला सहनिया ने आधा भाग लेने की ठान ली और उनका मन लालच से भर गया। बाबा जी से चौथे भाग के स्थान पर आधा भाग मांगना शुरू कर दिया। इसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ कि चौथे भाग करके आधा लेने की मांग करना
अन्याय नहीं तो और क्या है। कई बार सभाएं कमेटियां वगैरह समझौते के लिए की गई, फसल काट कर इकट्ठी कर दी गई, पर बिना बात बने बालियां और भूसे दाने का अलग करना असंभव सा कार्य बन गया। पुआला सानिया ने भी आधा भाग लेने की लालच भरी बातों पर अड़कर ठान ली और उस बात से टस से मस ना हुआ। पंचों वगैरह की बात भी किसी हद तक सिरे ना चढ़ पाई। बाबा जी जागीरदार के घर सौगात के रूप में दूध या दही के बर्तन भर भर के ले जाते और अपनी की हुई लिखित बात पर बने रहने के लिए प्रार्थना करते रहे। इसी प्रकार एक दिन फिर जब बाबा जी ने अपनी माँ राधा से भोजन बनाने के लिए प्रार्थना की और कहा कि मैंने दोबारा सभा करवाकर फैसला करवाना है। भलेल में बाबा जी के घर के पास ही एक अति सुंदर पूरे वर्ष बहने वाली एक नदी थी। पहाड़ियों के पत्थरों से कलकल की आवाज करती हुई इस नदी का दूध जैसा सफेद पानी है। इसे दूध गंगा के नाम से भी जाना जाए तो संगतहीन ना होगा। उसी नदी से पानी लाकर भोजन बनाना और स्नान करने के लिए पानी प्राप्त करना आवश्यक था। माता जी ने पानी थोड़ी दूर पर होने के कारण बाबा जी को कहा कि यहां कहां गंगा बह रही है, जब प्रभात होगी तो सोचूंगी, नहाकर रोटी बनाऊंगी। आपका फैसला तो होता नहीं, ना ही घर के काम करते हो और ना ही हमें करने देते हो। दूसरे दिन प्रभात होते ही बाबा जी ने पास बहने वाली बड़ी नदी जहां रोज स्नान वगैरह करते थे वहां से एक कूल निकालकर पानी को अपने आंगन में बहा दिया। पगटी दा चोला ये जाना है तू पार बंदिया, पगटी दा चोला ये जाना है तू पार बंदिया। नाच आईले मही मलदा ते सच्चा है थार बंदिया, नाच आईले मही मलदा ते सच्चा है थार बंदिया। पहले पगटी दा चोला जाना है तू पार बंदिया। अपने हक खातिर जिसने त्यागे अपने प्राण है, त्यागे अपने प्राण है, त्यागे अपने प्राण है, उस बाबे दे मन च किस चिर जीने दे अरमान है, जीने दे अरमान है, जीने दे अरमान है। वाला जैसा बनया नहीं तू शौकार बन गया, वाला जैसा बनया नहीं तू शौकार बन गया। पहले पगटी दा चोला ये जाना है तू पार बंदिया। पापा सब किश भुली जंदा है, सब किश भुली जंदा है, सब किश भुली जंदा है। दर्शन करिए मन मेरा खुशिये च भुली जंदा है, खुशिये च भुली जंदा है, खुशिये च भुली जंदा है। ते नाते दा है झूठा
संसार बंदिया रिश्ते नाते दाया झूठा संसार बंदिया पगड़ी दा चोला ये जाना है तू पार बंदिया ए दिन साल बाद के आंदा है जन्म दिहाड़ा तेरा बाबा सपने की बुलांदा है आपके द्वारा मही मलदा है मुक्ति द्वार बंदिया आपके द्वारा मही मलदा है मुक्ति द्वार बंदिया पहले पगड़ी दा चोला ये जाना है तू पार बंदिया पहले पगड़ी दा चोला ये जाना है तू पार बंदिया पहले पगड़ी दा चोला ये जाना है तू पार बंदिया नाच आईले मही मलदा थार बंदिया पहले पगड़ी दा चोला ये जाना है तू पार बंदिया पहले पगड़ी दा चोला ये जाना है तू पार बंदिया पहले पगड़ी दा चोला ये जाना है तू पार बंदिया पहले उस कूल के पानी को अपने इष्ट देव और गंगा माँ को याद करके फूंक मारी तो वो पानी दूध जैसा निर्मल हो गया। वो पानी आज भी देखने में निर्मल दूधिया है। उसी कूल का पानी आज भी उधर खेतों को दिया जाता है, जिससे वहां हर किस्म का धान और सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं। इस प्रकार बाबा जी ने माँ की बात को एक ही दिन में पूरा कर दिया। जब माँ बाबा जी को पहले की तरह रोटी पकाकर और जागीरदार के यहाँ सौगात के रूप में दही का भरा हुआ बर्तन ले जाने के लिए देती और साथ ही कहती है कि आज का फैसला तो होना नहीं है, केवल अपना समय व्यर्थ नष्ट करते रहते हो, ये बात बाबा जी को बहुत बुरी लगी। जाते जाते माँ को कहा कि इस बार फैसला करवा के आऊंगा, अन्यथा जीते जी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, और घर से चल पड़े। चलते चलते गढ़ दघेर पहुंचे। यहां की संत पर खड़े होकर अपने मित्र पारू लोहार को आवाज दी कि मेरी चीज जो मैंने तुझे बनाने के लिए कही थी वो कटार मुझे दे दो। उनके मित्र पारू लोहार की पत्नी जीवनी जो घर पर ही थी उस सुंदर कटार को लेकर बाबा जी को देने लगी, और साथ ही उसने एक बोली भी मारी जैसे कि कोई परछाई अपने देवर को हंसते हंसते कह देती है। उसने कहा, कटार पास रखना तो आसान है, पर उसका प्रयोग कोई कोई ही कर सकता है। ये बात भी बाबा जी को बहुत बुरी लगी, मानो उनका कलेजा खा गई हो। दूसरी ओर आश्विन मास की बात थी। पुआल सहानिया ने एक यज्ञ रचाया हुआ था। अपना फैसला करवाने के लिए बाबा जी भी वहीं जा रहे थे, पर बाबा जी को बुलावा नहीं दिया गया था। ये सोचकर कि वहां जगह जगह से अच्छे विद्वान लोग इकट्ठे हुए होंगे और मेरी बात पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिससे कुछ हल निकल सकेगा और फैसला हो पाएगा,
तभी बाबा जी खरोड़ नामक स्थान के लिए चल पड़े। यहाँ पुहाल सहनिया जागीरदार रहता था। रास्ते में एक खड्ड थी जो खरोड़ के पास ही बहती थी। उस खड्ड को उन्होंने गंगा माँ की उपमा देकर वहां स्नान किया। संध्या गायत्री आदि की, लक धोती, पांव में खड़ावा, गले में माला पहनकर, मस्तक पर तिलक लगाकर, एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में पानी का कड़वा वगैरह लिए हुए, साथ ही कटार भी कमर पर रखकर राम राम का नाम लेते हुए, अपनी मौत को भी स्मरण करते हुए जागीरदार द्वारा रचाए हुए यज्ञ में जाने को चल पड़े। रास्ते में बुरे बुरे कुशगुन होने लगे, जैसे कि ठीक दिशा में ना होकर कौवे, तीतर वगैरह का बोलना, गीदड़ का बोलना आदि आदि। बाबा जी को इन अपशगुनों से जान पड़ा कि क्या होने वाला है। जय महिमल बाबा, जय महिमल बाबा। तेरे चमत्कार बड़ा विश्वास है, तेरे चमत्कार बड़ा विश्वास है। बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है। गला करे धरती दे कने नीला दास है, गला करे धरती दे कने नीला दास है। बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है। माधी पुन्ने आगी जन्म ते आड़ाए, मेले च खुशी दा लबदा नजाराए। कत्ते माधी पुन्ने आगी जन्म ते आड़ाए, मेले च खुशी दा लबदा नजारा। तेरे नाए पानी कन्ने दिए जगी पे, उंदे तुंदे क्यों नी दिता लोक कने है, उंदे तुंदे क्यों नी दिता लोक कने है। मंदिरे दे पत्थरे च तेरा गै बास है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है। जय महिमल बाबा, जय महिमल बाबा। लोकी बरसाइच पढ़ लिख लिया हां, दुनिया दास ली तू रूप दिख लिया हां। लोकी बरसाइच पढ़ लिख लिया हां, दुनिया दास ली तू रूप दिख लिया। रकड़े च भी सुटे दाने उगी आए हैं,
सब दिखने की लोक उठी आए हैं, ए सब दिखने की लोक उठी आए हैं, चमत्कार दसने दी गल कोई खास है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है। माने युग मलगी बोली कोई लाई ही बेड़े इच पानी ये दी फूल तू बगाई ही, राधा माने युग मलगी बोली कोई लाई ही बेड़े इच पानी ये दी फूल तू तानी परिवार कन्ने तेरा बड़ा छुनाए, कोड़िये दे कोड़ चट दूर करी दिनाए, कोड़िये दे कोड़ चट दूर करी दिनाए, चौकिये च कड़ी दिने मन दी पड़ास है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, तेरे चमत्कार इच बड़ा विश्वास है, तेरे चमत्कार इच बड़ा विश्वास है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, बाबा तेरी आस है, गला करे तरती दे कन्ने नी लगास है, गला करे तरती दे कन्ने नी लगास है, बाबा तेरी आस 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 है। पुआल सानिया के दरबार में पहुंचते ही उन्होंने रानी देखी जिसका नाम सुहली था। वो बहुत ही पढ़ी लिखी और वेदज्ञाता थी। रानी ने आगे बढ़कर बाबा जी को प्रणाम किया और उस द्वारा लाई हुई सौगात को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर चुगलखोर लोगों ने बाबा जी पर रानी के साथ अच्छे संबंध ना होने का लांछन लगाया। बात चलने पर सभी उपस्थित जन और बुद्धिमान लोग भी राजा को बाबा जी से समझौता करने के लिए और बाबा जी को कुछ भूमि भी देने को कहने लगे, मगर जमींदार ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर सभी ब्राह्मण लोग यज्ञ में बिना खाए ही घर वापस जाने को तैयार हो गए। जाते हुए जाने वाले लोगों को राजा ने कहा कि यदि तुम लोगों ने मेरे राज्य में रहना है तो वापस आ जाओ और इस ब्राह्मण को भी दो रोटियां और खीर का डूना दे दो ताकि यज्ञ में से वृद्धा भूखा ना जाए। जागीरदार के भय से डरकर लोग वापस आकर यज्ञ में खाना खाने बैठे ही थे कि बाबा जी ने ऐसा भोजन खाना अच्छा ना समझते हुए उधर पास ही खेत में बोर के वृक्ष पर चढ़कर जिसको वो अपनी जन्म देने वाली माँ से तुलना की कि एक माँ के दूध की 32 धारें पी हुई है और ये दूध तो मेरी धर्म की माँ है उसका है। उस बोड़ी के दूध से माथे पर तिलक लगाकर उससे बातें करते करते अपने पेट में कटार खोद लिया और नीचे गिर पड़े। ऐसा होने पर
वहां यज्ञ में बने हुए चावल कीड़ों के रूप में परिवर्तित हो गए और बनी हुई दाल में खून दिखाई देने लगा। लोग भोजन खाए बिना ही हाहाकार करते हुए अपने अपने घरों को चल पड़े। उधर जागीरदार की एक नौकरानी ये देख रही थी। वो किसी बहाने से दौड़ती हुई खेत में गई और बाबा जी को डरते डरते अपने पैरों से सीधा किया। इस पर बाबा जी ने उसको वो जगह छोड़कर दूर और कहीं जाने का आदेश दिया, साथ ही कहा कि यदि तू मुझे हाथ से सीधा करती तो अपने साथ सीधा तुझे स्वर्ग लोक ले जाता, परंतु फिर भी तुम्हारा नाम चलता रहेगा, यानी वंश चलता रहेगा। आज उस पुआल सहनिया के वंश का कोई जीवित नहीं है, सबका नाश हो गया था। उस नौकरानी की औलाद आज भी चल रही है। जोत जगदी तेरी
जगदीश तेरे द्वार बाबा शरदा दे जोत जगदीश बाबा जी की जाति के लोग जब उन्हें इस घटना का पता चला तो दौड़ते हुए वहां पहुंचे, उन्हें वहां से उठाकर ढकेल ले आए। उनकी मां को भी खबर दी गई, पर मां को मुंह जीवित दिखाना ना चाहकर डगेर में बाबा जी ने अपनी जाति के लोगों को कुछ निर्देश दिए, जैसे वहां समाधि बनाने के लिए समाधि के स्थान के पास बोर्ड का वृक्ष लगवाने, जिस पत्थर में वो वास रखेंगे वो पत्थर और जिस कटारी से बलिदान दूं वो एक सुंगली के रूप में तैयार करवा कर रखना, हर फसल के बाद मेरे नाम का एक भंडारा करना इत्यादि आदेश देकर उन्होंने अपने ही हाथ से कटार निकालकर अपने प्राण दे दिए। उधर जब मां पहुंची तो प्राण छोड़कर अमर शहीद हो चुके थे। आज दगेर के स्थान पर उसी जगह बाबा जी की समाधि का मंदिर बना हुआ है। उनके बताए हुए पत्थर से ही मूर्ति बनवाई हुई है। उसी कटार से बनी हुई संगली, जिसे बड़ी सुंगल के नाम से पुकारा जाता है, देखने को मिल सकती है। एक बहुत बड़ा बोर का वृक्ष भी है। समाधि के आंगन में एक अति सुंदर और पवित्र तालाब है। यहाँ के पानी से प्रतिदिन मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है और लोग पीने के काम भी लाते हैं। बुजुर्गों ने सोच समझकर हर वर्ष हर फसल के बाद माह जून की पूर्णिमा और माह दिसंबर की पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा मेला शुरू कर दिया। यहाँ एक बहुत बड़ा भंडारा होता है। लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होकर बाबा जी के इस दवेर की मुख्य समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं
और भंडारे में शामिल होते हैं। यहाँ मेला एक बहुत बड़े किसान मेले का रूप धारण कर चुका है, जिससे आपसी भाईचारे, अखंडता, राष्ट्रीयता और स्नेह तथा प्यार की भावना के दर्शन होते हैं। पर जदू कदे भी पापे उदम मचाया जुलम मटाने की ओ ईश्वर आपू इत्थे आया जेड़ी गल सना करना मैं 600 साल पुरानी है जिथे मत्था लोक टेकते उस पापे दी कहानी है मारे के जी दबंगे हाथ दबाएगा